हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल्स एग्जाम वॉरियर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप में से कोई साथी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है एम्मा टेरहो, कला रामचंद्रन, सियुंग मिनियू, आयशा मलिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एम्मा एम्मा टेरहो, इसका राइट आंसर है दोस्तों एम्मा टेरहो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। और इन्होंने कितने बार, इन्होंने 5 बार ओलंपियन और फिनलैंड की महिला आइस हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। ये फिनलैंड आइस हॉकी टीम की ये कप्तान रह चुकी हैं, और इन्होंने पांच बार ओलंपियन जीत चुकी हैं। और ये एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष चुनी है। और दोस्तों, अगर हम अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो जो कला रामचंद्रन है, ये कौन है? ये हैं दोस्तों गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर, गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर है। और दोस्तों ये सियुंग मिनियू हैं, ये ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाया गया ने ने उपाध्यक्ष बनाया गया है और ये अध्यक्ष हैं। अगर इनकी बात करें सियुंग मिनियू, तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये कोरिया गणराज्य के खिलाड़ी हैं। दोस्तों ये आयशा मलिक हैं, ये हैं पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। देखिए दोस्तों, ये हैं एम्मा टेरहो, ये राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसका आयोजन हुआ है। और इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? वो किया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने, मंगूभाई छगन भाई पटेल ने। और दोस्तों, अगर इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है, हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं के नारे के साथ पर्यटन स्थलों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। और दोस्तों, अगर खजुराहो महोत्सव की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका संस्करण की बात करी जाए तो इसका संस्करण कौन सा है? इसका संस्करण है दोस्तों 48वां। चलिए दोस्तों, अब हम अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, अन्य ऑप्शन के बारे में। ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों अभी काशी महोत्सव मनाया गया था, वो कहाँ मनाया गया था? वो मनाया गया था वाराणसी में, काशी महोत्सव। ये कहाँ मनाया गया था? ये वाराणसी में। और दोस्तों ये सिक्किम में दोस्तों लोसांग महोत्सव मनाया गया था।
और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अभी तोरंगिया महोत्सव मनाया गया था। और दोस्तों अगर और त्योहारों की बात करिए और महोत्सव की, तो एक स्पुतिक गुस्टर महोत्सव भी मनाया गया था, वो मनाया गया था लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा मनाया गया था? स्पुतिक गुस्टर। और एक बतकुम्बा महोत्सव है, वो कहाँ का है? तेलंगाना का महोत्सव। चलिए दोस्तों, ये है खुजराहो नृत्य महोत्सव 2022 का और 48वां संस्करण है। और दोस्तों अगर खुजराहो के मंदिर की बात की जाए, तो वो उसका निर्माण किसने किया था? वो किया था चंदेल के राजाओं ने, चंदेल के राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है नासिक महाराष्ट्र, जबलपुर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, गुरुग्राम हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। और ये भारत का पहला जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल को प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों अगर अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, तो जबलपुर में दोस्तों भी भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र बना है। और यहीं के जबलपुर में दोस्तों एक भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बना है। और दोस्तों ये खंडवा मध्य प्रदेश में भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र पार्क बना है। और दोस्तों सूरत गुजरात में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। कब तक? 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। और दोस्तों अगर गुरुग्राम हरियाणा की बात की जाए, तो यहाँ भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसको घोषित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा को, गुरुग्राम को घोषित किया गया है भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। चलिए दोस्तों ये देखिए, ये है इसका उद्घाटन किया गया है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, एंडी जेसी, बिल गेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिल गेट्स। दोस्तों बिल गेट्स को पाकिस्तान ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है। और दोस्तों अगर इसके योगदान की बात की जाए, बिल गेट्स को किस लिए दिया गया है? वो दिया गया है, इन्होंने पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए इनको ये पुरस्कार पाकिस्तान ने दिया है। किसके लिए? पोलियो उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए। दोस्तों पोलियो समाप्ति के लिए इन्हें ये पाकिस्तान का यानी दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है हिलाल-ए- पाकिस्तान, वो बिल गेट्स को दिया गया है। अब दोस्तों अगर हम इसके बारे में आए हैं, तो इसकी चर्चा करते हैं अदर ऑप्शन के बारे में। तो मार्क जुकरबर्ग हैं दोस्तों, उन्हें फेसबुक, ये कौन है? ये फेसबुक के संस्थापक हैं, ये फेसबुक के संस्थापक हैं। और दोस्तों अभी फेसबुक का नया नाम क्या रख दिया गया है? वो रख दिया गया है मेटा। अगर मैं पूछूँ ये एंडी जेसी कौन है, ये दोस्तों ये हैं अमेजन के सीईओ। और दोस्तों अगर अमेजन के अध्यक्ष के बारे में बात की जाए, अमेजन के संस्थापक वो कौन है? वो हैं
जे बेजोस, देखिए दोस्तों ये है पाकिस्तान का नागरिक सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है इन्हें, बिल गेट्स को। दोस्तों अब पाकिस्तान के बारे में आए हैं तो पाकिस्तान के बारे में कुछ अदर फैक्टर की जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये पाकिस्तान है, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। दोस्तों हम ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ साफ नहीं समझ में आ रहा है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और इसकी स्थापना कब हुई थी इस देश की? 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुआ था भारत से अलग होकर। और इसके अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो कौन है प्रधानमंत्री? वो है इमरान खान। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? वो है आरिफ अलवी। और दोस्तों पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रियो ओपन टेनिस खिलाड़ी ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज, डियोगो शारडजर्मैन, कैस्पर रूड, राफेल नडाल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्लोस अल्कराज। दोस्तों अगर इनकी बात करें तो ये स्पेन के रहने वाले हैं और ये 18 साल के खिलाड़ी हैं। इनके जन्म की बात करी जाए तो इनका जन्म हुआ था मई 2003 में। और दोस्तों जो इन्होंने किसको हराया, अगर इनके बारे में बात करें तो ये 18 वर्षीय कार्लोस अल्काराज रियो ओपन टेनिस ATP 500 का खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने डिएगो शारडजर्मैन को 6-4, 6-2 से हराकर ये खिताब जीता है। यह खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। और दोस्तों ये कैस्पर रूड की अगर बात करें तो ये अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 2022 का अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब जीता था। और दोस्तों अगर हम ये टेनिस खिलाड़ी ATP 2500 ये हुआ है, ये कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। पहले हम इसको ही ख़त्म करते हैं, आयोजन इसका कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ है रियो डी जेनेरियो। और दोस्तों जो कैस्पर रूड हैं, इन्होंने कौन सा ओपन जीता था अभी टेनिस टूर्नामेंट? अर्जेंटीना ओपन। दो हजार 22 जीता। और दोस्तों जो राफेल नडाल हैं, इन्होंने अभी कौन सा ओपन जीता है? उन्होंने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जीता है। और दोस्तों अगर महिला की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला में किसने जीता है? वो जीता है एसली बार्टी ने। एसली बार्टी ने महिला में जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हैं दोस्तों कार्लोस अल्काराज, इन्होंने ये खिताब जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है?
ऑप्शन 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2026। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 इसका राइट आंसर है दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को जारी रखने की मंजूरी दी है दोस्तों। इस नए चरण में दोस्तों लगभग कितने रुपए का खर्चा आया है? 12,929.16 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से केंद्र कितना खर्च करेगा, वहन करेगा केंद्र 8,120.97 करोड़ रुपए, और राज्य की बात करें तो राज्य कितना वहन करेगा इसमें, वो करेगा 4,808.9 करोड़ रुपए। ये इतना राज्य केंद्र इतना खर्च करेगा और राज्य 4,808.9 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और दोस्तों इस योजना का नया चरण में लगभग 1,600 परियोजनाओं का समर्थन करेगा। ये नया रूसा अभियान है, ये 1,600 चरणों का समर्थन करेगा, 1,600 परियोजनाओं का। जिसमें दोस्तों अभी स्कूल है, स्कूल में अनुदान के लिए इन सब परियोजनाओं में ये अपना योगदान देगा दोस्तों। अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य संस्थानों गुणवत्ता और सुधार करना, गुणवत्ता में सुधार करना और संबद्धता शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए दोस्तों देख, यह है रूसा जिसका का नाम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDIC की कौन सी बैठक आयोजित हुई है? ऑप्शन है 26वीं, 28वीं, 25वीं, 27वीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 25वीं, 25वीं इसकी बैठक हुई है, 25वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इसकी अध्यक्षता की है। और दोस्तों बजट 2022-23 के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक है, ये पहली उच्च स्तरीय बैठक है बजट 2022-23 के पेश होने के बाद। चलिए आगे चलते हैं। ये हैं दोस्तों भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन है तनिष्का कोटिया, रिद्धिका कोटिया, उपर्युक्त दोनों, दिशा पटानी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, उपर्युक्त दोनों। दोस्तों ये तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया ये दोनों बहनें हैं और ये शतरंज खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। दोस्तों ये शतरंज खिलाड़ी रह चुकी हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हरियाणा से संबंधित हैं। और दोस्तों अगर इनके बारे में बात करी जाए तो इन्होंने जो 2008 में तनिष्का कोटिया ने 2008 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता था। और ये हरियाणा से संबंधित हैं दोस्तों। अगर हम दोस्तों अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और कब की थी? ये की थी 22 जनवरी 2015 को।
22 जनवरी 2015 पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों अगर इसके उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो इसका उद्देश्य है लड़कियों के साथ होने वाला भेदभाव को दूर करना और उनके और लोगों के प्रति नकारात्मक मानसिकता में बदलाव लाना तथा लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए महत्व देना, महत्व को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है दोस्तों। लड़कियों की जो शिक्षित करने के लिए महत्व को बढ़ावा देना और उनके साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना और लोगों के प्रति नकारात्मक नकारात्मक सोच को बदलना तथा इनकी शिक्षा के लिए इनकी शिक्षा को महत्व देना और इनका शिक्षा कुछ करने के लिए बढ़ावा देना, ये इनकी इसका उद्देश्य है। शिक्षा को बढ़ावा देना महिलाओं को, जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। अगर दिशा पटानी के बारे में बात की जाए तो ये अभी बाटा इंडिया कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। देखिए दोस्तों ये हैं दोनों बहनें, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बना है? किस राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बना है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एक मंडी ज़िला है, वो पहला जैव विविधता पार्क बना है। और ये किस लिए बना है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का मंडी ज़िला में हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए ये हिमाचल प्रदेश का जैव विविधता पार्क बनाया गया है। जो दोस्तों इसका मंडी ज़िला है उसको मंडी ज़िले को जैव विविधता पार्क बनाने की कवायद चल रही है, घोषणा हो चुकी है सॉरी दोस्तों। और दोस्तों अगर इस पार्क को हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन नेशनल NMHS नेशनल मिशन एंड हिमालय सोर्स ये इसके फुल फॉर्म के तहत इसे बनाया जा रहा है। दोस्तों हम अगर अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों हरियाणा का गुरुग्राम में अभी क्या बनाया गया, इसे अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है गुरुग्राम को। और अगर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की बात करें तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यहाँ भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने की बात कही गई है हाँ खंडवा में। और जबलपुर की बात करी जाए तो जबलपुर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जा रहा है। और दोस्तों अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हल्द्वानी को जैव विविधता पार्क अभी घोषित किया गया है, हल्द्वानी को जैव विविधता पार्क घोषित किया गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी को। और दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड अगर और बात करें तो यहाँ लाइकेन पार्क भी बनाया गया था और यानी जंगल हीलिंग स्टेशन भी बनाया गया था यहीं पे।
चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में ये भारत का पहला, भारतीय रेलवे द्वारा दोस्तों भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 473, इस पुल की लंबाई है 473.25 मीटर और ऊंचाई है इसकी 331 मीटर। जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है और यह केवल 96 केबलों द्वारा जुड़ेगा। ये 96 केबलों के द्वारा जोड़ा जाएगा। दोस्तों अगर हम गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात के दोस्तों सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनेगा। बुलेट ट्रेन स्टेशन और ये 2024 तक बनकर तैयार होगा। और जो तमिलनाडु है ये राज्य भारत का पहला वर्टिकल रेलवे सीवरेज बनेगा। यहाँ भारत का पहला वर्टिकल रेलवे सीवरेज जिसे और किसी नाम से जानते हैं, न्यू पंबन ब्रिज। इसे न्यू पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। ये भारत का पहला वर्टिकल रेलवे सीवरेज तमिलनाडु में बनेगा। ये देखिए दोस्तों, इसका निर्माण चल रहा है अभी, कश्मीर में बन रहा है भारत का पहला केबल रेल ब्रिज। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।